गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग अपडेट्स के बारे में, मार्केट की न्यूज के बारे में। आईपीएल में दो टीम ऐड हो चुकी हैं, सबसे पहली है अहमदाबाद की टीम और दूसरी है लखनऊ की टीम। आरपीजीएस ग्रुप ने लखनऊ की फ्रेंचाइजी को लिया है 7090 करोड़ में, और इसके साथ साथ सीवीसी कैपिटल ने लिया है अहमदाबाद की टीम को 5166 करोड़ में। अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में डिमाट के शेयर्स में 2017 में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो 2020 में ये इन्वेस्टमेंट आपकी होती थी 7,74,000 की, मतलब यहाँ पर आपको 6,74,000 का प्रॉफिट। जब कभी भी हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके इससे पहले कंपनी के फंडामेंटल को जरूर चेक करना चाहिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मार्केट के टॉप 3 ब्रोकर्स के बारे में और उसके क्लाइंट्स कितने हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है जीरोधा, जिसके क्लाइंट है 45,45,000। सेकंड नंबर पर है अपस्टॉक्स, जिसके एक्टिव क्लाइंट है 33,10,000। और तीसरे और आखिरी नंबर पर आता है एंजल ब्रोकिंग, जिसके एक्टिव क्लाइंट है 21,52,000। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है लग्जरी कंपनीज के शेयर्स में, तो यहाँ पर 4 कैटेगरी हैं, जहां पर आप अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करके इन पर अच्छे खासे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। अगर यहाँ पर मैं शेयर्स की बात करूं तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के शेयर्स हैं, यहाँ पर 3 कंपनी के शेयर्स हैं। सबसे पहले इज माई ट्रिप, सेकंड है इंडिगो, और आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं लेमन ट्री में। सेकंड कैटेगरी है कार्स एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कर सकते हैं मारुति सुजुकी में, टाटा पावर में, और इसके साथ साथ पीवीआर सिनेमाज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है फास्ट फूड और लिकर की, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप कर सकते हैं जुबिलेंट में, V3 कंपनी में, और इसके साथ साथ आप तीसरी कंपनी है यूबी ग्रुप। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आती है फैशन एसेसरीज, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप कर सकते हैं टाइटन में, सेकंड कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, और थर्ड कंपनी है ट्राइडेंट ग्रुप। अगर रिसेंट डेज की बात करो तो रिसेंट डेज में ट्राइडेंट ग्रुप ऑफ शेयर्स ने काफी अच्छे रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को। शेयर मार्केट के लेटेस्ट अपडेट की बात हो और यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? टाटा मोटर्स 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है अपकमिंग डेज में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में। इस न्यूज की वजह से इस कंपनी के शेयर के प्राइसेस में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, और एक दिन में इसके इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए इस कंपनी ने। अगली अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री 40% इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है मनीष मल्होत्रा ब्रांड्स में। मनीष मल्होत्रा एक फैशन डिजाइनर है, और उसकी टेक्निक जो है, इसके जो डिजाइन है यूनिक होती है, तो यहाँ पर रिलायंस 40% इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है। इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर आप अपने गिफ्ट्स को 2 घंटे में किसी के पास भी डिलीवर करवा सकते हो। अगर आपके दोस्त का बर्थडे है या आपको किसी पेरेंट्स को कोई गिफ्ट देना है तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। इस कंपनी का नाम है विनी केक्स एंड मोर, और इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2013 में, मतलब ये आजकल की कंपनी नहीं है, ये काफी साल पुरानी कंपनी है। रिसेंटली पारस डिफेंस के आईपीओ ने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लेकिन अगर मैं इसके 10 दिन की बात करूँ, अगले पिछले 10 दिन की बात करूँ, तो यहाँ पर इसके पैसे जो है, इसके शेयर्स की प्राइस डबल हो चुकी है। अगर आप लोगों ने 10 दिन पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट्स किया होता तो आपकी जो वेल्थ है वो 1 लाख का 2 लाख हो गया होता। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 कंपनीज के शेयर्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है वेबल सोलर, यहाँ पर इसके शेयर प्राइस है 76 रुपीज, अदानी पावर 117 रुपए, टाटा पावर है 222 रुपए में, स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी के शेयर प्राइस है 406, बोरोसिल रिन्यूएबल्स की शेयर प्राइस है 424। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अदानी रिन्यूएबल्स में, इसके शेयर प्राइसेस हैं 1,202 रुपीज। पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिर गया था, और इसके साथ साथ बहुत सारे शेयर ऐसे थे जहां पर करेक्शन आया था, और यहां पर सबसे मेन फोकस था IRCTC के ऊपर, लेकिन मार्केट में IRCTC के अलावा भी बहुत सारे शेयर थे जहां पर करेक्शन आया था। यहां पर करेक्शन आया था एफएल इंडिया में, L&T इन्फोटेक में, इसके साथ साथ बजाज इलेक्ट्रिकल्स और टाटा मोटर्स में भी करेक्शन आया था। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है जिसके ऊपर करेक्शन आया था, उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ साथ आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो से आपको मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चला होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।